हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं टर्मिनोलॉजी। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों जिसने वो वीडियो मिस कर दिया है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। बच्चों कुछ टर्म्स आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो लोअर क्लास टू हायर क्लास तक जाती है, और बच्चों अगर ये टर्मिनोलॉजी आप मिस कर जाते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना हो आपको कभी, इसलिए आज डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी। तो आइए मेरे साथ, फर्स्ट टर्म जो लेंगे वो न्यूक्लियॉन्स लिया हुआ है। बच्चों आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियॉन्स, दोज पार्टिकल्स विच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। बच्चों नाम से ही चल रहा पता था कि ऐसे पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, वो कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। बच्चों एन का एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रॉन, पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन। तो जो आप जानते हैं कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल मिलते हैं वो क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं यही वो पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में मिलते हैं। तो बच्चों आप ही बताइए किसी भी एटम के सेंटर में मिलने वाले न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। कौन कौन से पार्टिकल होंगे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म है एटॉमिक नंबर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बच्चों याद रखिएगा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन मिलेंगे वो नंबर कहलाएगा उस एटम का एटॉमिक नंबर। इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज फाउंड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई एन एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ एटम लिखे हुए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इन एटम पे कोई चार्ज है, तो आपका आंसर होगा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इन एटम पे कोई चार्ज नहीं है, इन एटम पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। तो बच्चों न्यूट्रल ये क्यों है, तो न्यूट्रल होने का रीजन ये है कि इन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो बताइए जब किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा तो वो कैसा होगा, वो एटम न्यूट्रल इन नेचर होगा। बच्चों यहां पे फॉर्मूला लिया हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, बच्चों जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस is equal to number of electrons in the shell। बच्चों भी डिस्कस किया था कि एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं, तो ध्यान रखिएगा किसी भी एटम के अंदर हमेशा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आइए बच्चों अब लेते हैं नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म है हमारी मास नंबर। मास नंबर ऑफ एन एटम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। बच्चों आप जानते हैं किसी भी एटम के सेंटर में मिलता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बच्चों करना क्या है कि अगर आपको किसी भी एटम का मास नंबर निकालना है तो आप उस एटम के न्यूक्लियस में मिलने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का सम कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, वो कहलाएगा आपका मास नंबर। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। फॉर्मूला क्या होगा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये आपको क्लियर है। अच्छा अगर मैं इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर प्रोटॉन। बच्चों जब ये चाहिए तो इसमें से ये माइनस कर दिया और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, तब तक आपको ये फॉर्मूले क्लियर होने जरूरी है। बच्चों अगर मैं इसको समराइज करूं तो कैसे लिखूंगा, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। सर ए क्यों लिखा है, क्योंकि मास नंबर को ए से दिखाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन को बच्चों आप जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है उसको जेड से दिखाते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सोडियम एटम लिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि नीचे 11 लिखा हुआ है, ऊपर 23 लिखा हुआ है,
तो याद रखिएगा किसी भी एटम में सबस्क्रिप्ट में यानी कि जो नीचे की तरफ लिखा रहता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है और किसी भी एटम में जो सुपरस्क्रिप्ट में नंबर दिया होता है वो उस एटम का मास नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि Na का एटॉमिक नंबर 11 है और Na का मास नंबर 23 है। बच्चों कोई पूछे कि बताओ सोडियम में कितने प्रोटोन कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे, यही वो क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 होंगे क्योंकि आप जानते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे प्रोटॉन का नंबर भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11 होगा। अब बच्चों लेते हैं मास नंबर, तो मास नंबर 23 है। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये आपने ऊपर फाइंड किया था फॉर्मूला, मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 11, तो 23 में से 11 माइनस किया कितना बचा 12, तो 12 जो है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये आपको क्लियर है? बच्चों पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, जानना है, सीखना है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।